आज भगवान शिव जी की जो है बारात का आगमन में जो है भगवान शिव जी जो है भगवान शिव के मंदिर प्रांगण को जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, उनके बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से मन और तन धन से पूर्ण रूप से किया जाएगा। वही कराने वाले हैं और उनका आशीर्वाद समस्त उत्तेजनों पर बना रखें, सबको आरोग्य प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, उन्नति प्रदान करें और अपनी असीम कृपा भोलेनाथ बाबा सभी उत्तेजनों के ऊपर बनाए रखें। अरे मत परेशान करो, अरे मैंने इसके पास बहुत सारे ऐसे छाटे भी मार दिए, उसको कुछ भी कर लिया, पूरा लेट गया था इस खेलने के मूड में। अरे भैया मंदिर वाला डॉगी है ये, कुछ नहीं करता है, बहुत क्यूट है ये सैम, इसकी पहचान में तो कैसे जान ले इसकी बड़ी बड़ी मूछों से मूछों से और रंग से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे लेटा हुआ हूँ, तो देखो रात मैंने अपनी पूरी मेहनत से मुँह से ये फुलाया। अरे दीदी ने बोला चलो इसको फुलाते हैं फिर जंपिंग करते हैं। अब मैंने रात में फुलाया था, अब नींद आ रही है मुझे, इसी में आराम से सोऊंगा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आज है महाशिवरात्रि, महाशिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी आपको मंदिर में रेडी होकर मिलता हूँ, बाय। सो गाइस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं तो तैयार हो चुका हूँ, रिद्धि सिद्धि और मामा अभी जा ही रहे हैं मंदिर, दुबई में अभी एक साथ जाने वाले हैं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये सब लोग, आइए मेरे कान फोड़ दिए। आप यहाँ की सजावटें देख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी सजावटें हो रखी हैं। ये रहे मेरे रिद्धि सिद्धि बैलून के साथ खेलते हुए, फोटो तो दिखा दे देखो। और हमारी ये अमायरा दा अमायरा, और ये आदि भैया दा आदि भैया। गाइस अभी आपको पंडित जी से मिलवाते हैं, ये रहे हमारे पंडित जी। पंडित जी हेलो हेलो व्लॉग में, नमस्कार पंडित जी हमारे। आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाहोगे? आज भगवान शिव जी की जो है बारात का आगमन में जो है भगवान शिव जी जो है भगवान शिव का मंदिर प्रांगण को जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, उनके बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से मन और तन धन से पूर्ण रूप से किया जाएगा। वही कराने वाले हैं और उनका आशीर्वाद समस्त उत्तेजनों पर बना रखें, सबको आरोग्य प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, उन्नति प्रदान करें और अपनी असीम कृपा भोलेनाथ बाबा सभी उत्तेजनों के ऊपर बनाए रखें। जय भोलेनाथ। सबको संदेश मिल चुका है गाइस, क्या हुआ यश, क्या हुआ प्रसाद ये खा लो असली में तो है कैसे बात करते हैं दुर्व्या। सो गाइस अभी देखो बलून फोड़ने के थे, पता था मुझे बलून फूटने वाला है ये, बताएंगे नहीं ये हैं। आप हर चीज के पांव छूओगे, हर भगवान जी की, फिर उसके छू के दिखाओ, उसके जाओ छू के आओ। अरे सैम सैम, ओ ओ सैम सैम सेम सेम सैम, मंदिर के अंदर आओगे? एक बार बताओ उसने जूते ले आया था ये रिद्धि का, सैमू सम्मू सेम 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 ओ पान नहीं कर पाया अभी, ये सोच रहा है। सो गाइस अभी हम लोग सैम के साथ खेल रहे हैं, देखो इसकी मूंछ कितनी बड़ी बड़ी है। आई बोल अरे मत परेशान करो, अरे मैंने इसके पास बहुत सारे ऐसे छाटे भी मार दिए, उसको कुछ भी कर लिया, पूरा लेट गया था इस खेलने के मूड में। अरे भैया मंदिर वाला डॉगी है ये, कुछ नहीं करता है, बहुत क्यूट है ये सैम, इसकी पहचान में तो कैसे जान ले इसकी बड़ी बड़ी मूंछों से मूंछों से और रंग से, क्योंकि आगे आगे छोटी सी गाय हाथ से खिला दे, मारेगी नहीं, हाथ से खिला दे, खिला खिला शाबाश। आंटी खाना डालो ये अरे मुझे भी हाथ से खिलाओ। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी काऊ है, बहुत सारी काऊ है, मतलब काऊ का पूरा एक झुंड है। चलो
बात तो पक्की होगी यहाँ पे। दीदी बाय बाय दीदी बाय बाय। देख लिया मैंने क्या हुआ? किसी ने नहीं देखा ध्रुव को। हाँ तो कैसे क्या देखा तुमने? नाग ध्रुव की यहाँ तक भर गई थी। नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, सच में नहीं देखा। क्या हुआ? वाले ने ये ले लिया। क्या ऑरेंज ऑरेंज ले लिया था।